गुड मॉर्निंग। तो आप रेडी हो गए हैं और एक बहुत ही लंबा टूर करने जा रहे हैं अपने बाइक से। तो अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश। तो आज जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो आज हम यहाँ से जाएंगे गाजियाबाद से शिवपुरी और शिवपुरी से इंदौर, और इंदौर के बाद फिर हम आस पास की जगह घूमेंगे। तो अभी वक्त हो रहा है 7:20 और शिवपुरी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 480 किलोमीटर्स है वो आज हमारा रात का डेस्टिनेशन है। तो आगे चलते हैं, रास्ते में मिलेंगे और बातें करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है तो चलते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पे और जो कि 35-40 किलोमीटर है मेरे घर से। और कितना समय लगा हमें यहाँ तक आने में, लगभग 1 घंटा लग गया। यमुना एक्सप्रेस वे जो कि 165-170 किलोमीटर है इसका पूरा स्ट्रेच यमुना एक्सप्रेस वे का। तो अभी आगरा लगभग 200 किलोमीटर दूर है, तो अब आगरा पहुँच के फिर आगे देखते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पे तो हल्के हल्के चलते ही रहना है, छोटे से सुसु ब्रेक के लिए रुका था, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का आखिरी टोल प्लाज़ा क्रॉस हो गया है और ये मेरे पीछे जो है ये खाने की जगह है। काफ़ी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। इसके बाद फिर अब हम लोग एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाएगा, 15-20 किलोमीटर और बचेंगे और फिर हम ग्वालियर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो पता नहीं खाने का क्या होगा, इसलिए कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। तो खा लिया डोसा, थोड़ा सा पेट भरा है, अब चाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दिल्ली से चलकर ग्वालियर निकल गया, शिवपुरी भी निकल गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुना की तरफ आगे, जो कि अभी लगभग 80 किलोमीटर और है। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:20 हो रहे हैं अभी, तो यहाँ से निकलते हैं तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में आगे हम लोग पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जो ड्राइव थी बहुत ही अच्छी ड्राइव थी, जो एक पूरा एटमॉस्फेयर है जो कि पूरा लैंडस्केप ही बदला हुआ था। छोटी छोटी पठारियाँ थी और बहुत दूर तक लैंडस्केप खाली था। मज़ा आया चला के और अभी आगे जाना बाकी है। अभी पहुँचे गुना, यहाँ पे एक रूम लिया है, ओयो रूम, अच्छा रूम है, बेड है और सही है, ठीक है। नींद आनी चाहिए, नींद आएगी। अब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे अब दोबारा इंदौर के लिए और फिर देखते हैं आगे रास्ता कैसा बनता है, क्या नहीं मिलता। फिर कल इंदौर पहुँच के फिर हमारा असली टूर शुरू होगा, जहाँ पे हम ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू और उज्जैन घूमेंगे। तो प्लीज़ अभी हम देखिए और साथ में बने रहिए और इस सफ़र का रोमांच खाते रहिए। भाई साहब क्या थकान और क्या सोया, मस्त आया हूँ। आने के बाद जो लेटा हूँ और जो सोया हूँ, ओह पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हुआ है। और अभी भी थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, हालत बुरी हो गई थी कल 500 किलोमीटर चलाने में, लेकिन कोई बात नहीं, पहले भी चलाया है, आगे भी चलाते हैं, चलाते रहेंगे। तो बस सारा सामान अब यहाँ से पैक, उठते हैं, सामान बांधते हैं गाड़ी पे आगे की ओर,
इंदौर की ओर रवाना होते हुए जो कि लगभग 300 किलोमीटर है अभी, तो प्रॉब्ली दोपहर तक पहुंच जाएंगे। वाह भैया वाह, व्हाट अ ब्यूटी भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहा है, वाह। अमेजिंग, क्या रोड है, वाह, मजा आ जाता है यार सड़क से उतरते ही ना। ओ क्या हाईवे बनाया है, माइंड सच में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया हाईवे। अभी हम लोग एक तरीके से जो प्लेट्यू रीजन है हमारा सेंट्रल इंडिया का, उसके आसपास उसके इर्द गिर्द जो है गाड़ी चला रहे हैं। बहुत ही सुंदर, वाह। सांस के अंदर जाने की, सांस बाहर छोड़ने की, जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स हो रही है, आ हा, क्या आनंद आ रहा है, वाह। तो आज 300 किलोमीटर चला के आए, सुबह 8 बजे चले थे और अभी 2:30 बज रहा है। रूम ले लिया है, सेटल हो गए हैं, फिर से इंदौर में एक ओयो रूम लिया है, सस्ता था, अराउंड 750 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मिला है। यहाँ पर 2 दिन रुकूँगा, कल इंदौर घूमूंगा, आज रेस्ट। तो अभी मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूंगा, देखता हूँ वो क्या कर रहा है, अगर वो फ्री है तो उसको बुलाऊंगा और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। लेट्स एक्सप्लोर इंदौर, आराम करते हैं थोड़ी देर।